अस्सलाम वालेकुम। आज हम गजरेला बना रहे हैं, जिसके लिए हमने गाजरें ली हैं आधा किलो। आधा किलो गाजरें लेकर अच्छी तरह से वॉश करके इनको हमने ग्रेट कर लिया है। दूध लिया है 1 किलो, खोया लिया है 3 कप, खोए को हमने ग्रेट कर लिया है। चीनी 1 कप या 2 टेस्ट, हरी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, बादाम आधा कप, किशमिश आधा कप, देसी घी आधा कप। सबसे पहले हमने एक खुले मुंह वाला पैन लेना है, इसमें हमने गाजरें डाल देनी है। गाजरों को हमने ग्रेट कर लिया है, ये आपकी मर्जी है, आप कद्दूकस चाहे तो हाथ से भी कर लें या आप चॉपर में कर। आधा किलो गाजरें ली हैं हमने, ज़्यादातर इसमें लाल गाजरों का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने इसमें दूध डाल देना है 1 किलो, गाजरें आधा किलो है, दूध 1 किलो। 1 किलो से आप दूध ज्यादा भी थोड़ा डाल सकते हैं। हरी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून भरकर। अब हमने मिक्स कर देना है और गाजरों को हमने पकाना है मीडियम से हाई के दरमियान में। आग को हमने थोड़ा मीडियम से तेज रखना है ताकि दूध में उबाला आ जाए। बहुत जल्दी और मज़ेदार गजरेला तैयार हो जाता है। हमारे पंजाब में ये डिश सर्दियों में बनाई जाती है और ज़्यादातर सुर्ख गाजरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम देसी घी, खोया और दूध से मज़ेदार स्वीट डिश तैयार हो जाती है। अब हम वेट करते हैं दूध में उबाला आ जाए। दूध में अब उबाला आ गया है, चमचे को हमने हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद ताकि दूध नीचे ना लगे। अब हमने आग को मीडियम से थोड़ा सा तेज रखना है या मीडियम कर लें। गाजरों को हमने तब तक पकाना है जब तक गाजरें नरम हो जाएं, और चमचा थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहना है। अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। दूध जो है ये बिल्कुल नीचे नहीं लगना चाहिए, वरना फिर स्मेल आएगी, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती खाने में। गाजरों को हमने इतना पका लिया है कि दूध जो है ये आधा रह गया है और गाजरें जो हैं ये बिल्कुल नरम हो गई हैं। अब हमने इसमें खोया डाल देना है, खोया डालेंगे 3 कप। खोए को हमने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। खोया हमने लिया था 12 औंस की स्टिक, उसको हमने ग्रेट कर लिया है। साथ ही हमने चीनी डाल देनी है 1 कप। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, जितनी भी आप लाइक करें उतनी ही डाल लें। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करके गाजरों को और पकाना है। गजरेले को हमने तब तक पकाना है जब तक ये पैन की साइडें जो हैं गाजरें छोड़ना शुरू कर दें। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती रहूंगी। मीडियम आग पर हमने गजरेले को पकाना है। गजरेले को हमने और पका लिया है थोड़ा। अब इसके ऊपर बबल बनने लग गए हैं, अभी भी देखिए इसकी थिकनेस। अभी हमने इसको थोड़ा सा और पकाना है। गजरेले को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसका दूध थोड़ा खुश्क हो गया है, बिल्कुल दूध खुश्क नहीं करना, हल्का हल्का इसमें होना चाहिए दूध। ये किनारे जो है पैन के खुद ब खुद ही छोड़ना शुरू कर देते हैं, तब आपको पता चल जाएगा। ये देखिए आपस में जो है ये जुड़ने लग गया है। ये हमने वो वाला गजरेला बनाया है जो पाकिस्तान में मिठाई के दुकानों पर मिलता है। अपनी एक बहन की फरमाइश पर हम ये बना रहे हैं। अब हमने इसमें देसी घी डाल देना है आधा कप। और बादाम डालेंगे आधा कप।
रेजन डालेंगे आधा कप। अब हमने 5-6 मिनट के लिए और इसको भूनना है। गजरेला हमारा रेडी हो गया है, इसका दूध खुश्क हो गया है। घी डालकर हमने 5-6 मिनट तक और इसको पका लिया है। बहुत ज्यादा नहीं पकाना, इसको हल्का हल्का गीला ही होना चाहिए। बहुत मज़ेदार टेस्ट है। अब आप इसमें चीनी चेक कर लें, जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप और भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर लें चीनी। अब हमने चूल्हा बंद करके डिश आउट करना है। आप इसकी थिकनेस देख लें, अब हमारा बहुत ही मज़ेदार गजरेला तैयार है। इसको हमने बादाम, पिस्ता और गोल्ड के वर्क से रेजन, जो भी आप चाहें गार्निश कर लें। मज़ेदार, वेल टेस्टी है। अगर आप चाहें इसको जल्दी बनाना तो आप इसमें वाइपरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं ताकि जल्दी तैयार हो जाए। बहुत ही मज़ेदार गजरेला तैयार है। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।